अभी तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 185। मम्मी जी बनाते हैं खाना। यही बनाती है खाना? हाँ। तो आप क्या करती है? हम बाहर का काम। शादी तो हर 6 महीने में। हिंदी नहीं आती है? मैंने ना वो हिंदी। मैंने सब्जी देख लो 10 किलो। सब्जी 10 किलो? 20 किलो आटा लगता है एक टीएम को। गैस की रोटी कोई नहीं खाता, हमारे सब चूल्हे की रोटी खाते। शुरू से हम चूल्हे पे बनाते हैं। चावल नहीं खाते? नहीं, शौक से कभी बना लेते, वरना हम हर रोज नहीं खाते। हम सिर्फ ये रोटी 12-12 चूल्हे है, ये जलते हैं सारे। 12 चूल्हे पे बनता है। हाँ। और बाहर जाकर 9 बजे से खेत में काम करते हैं। गाय भैंस को खिलाते हैं। चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान के इकलौता एक ऐसे परिवार में है जिस परिवार में 185 सदस्य रहते हैं, और इस सदस्य का एक ऐसा राज आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे जो सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि एक परिवार में 13 चूल्हा और कम से कम 13 लोग मिलकर 185 लोगों का खाना बनाता है। चलिए हम जानते हैं, वो भी जानते हैं आज के ज़माना में ऐसा है कि कोई आदमी गैस ख़त्म तो खाना बनना बंद हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर लकड़ी पर इस खाने को बनाया जाता है, और जो ये आगे सामने तवा दिखता है वो तवा नहीं है बिल्कुल, ये सामने वाला जो मटका है उसी मटका से ये बन रहा है। एक और चीज़ बता, जलावन जो लकड़ी जलता है ये जल रहा है, इसमें बिल्कुल काटा है, बबूल का काटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पास पे है। मेरे बगल में जिस दादी को आप देख रहे हैं, ये दादी इनकी सास है, और ये सास खाना बना रही है अपने पतोह के लिए ना जी। हाँ, सही ना है। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि आपके लिए वो खाना बना रही है। हाँ, हमारे दोनों टाइम मम्मी जी बनाते हैं खाना। यही बनाती है खाना? हाँ। तो आप क्या करती है? हम बाहर का काम देखते हैं। क्या बाहर का काम देखती है? खेती बाड़ी, गाय भैंस। गाय भैंस? हाँ। गाय भैंस को खिलाना कि उसको दूध निकालना? मतलब चारा भी डालते हैं उनको, मतलब दूध वूध भी निकालना सब कर रहे हैं। गाय भैंस का दूध आप निकालती है? हाँ, निकाल लेती है ना। निकाल लेती है? हाँ, हमारे ससुर जी सब निकालते हैं। सब लोग निकाल, फिर क्या होता है दूध को? जो हमारे घर में चाहिए उतना हम रख लेते हैं, बाकी हम बाहर डेयरी में दे देते हैं। आपके परिवार में कितना लोग है अभी? 185। 185? अभी बढ़ा नहीं है? नहीं, बाहर तो हमारी बेटी रहती है बस, वो ससुराल गई हुई है वो है, और जो बाहर पढ़ रहे हैं वो। यानी अभी तक 185 है, एक साल के अंदर में अभी आगे नहीं बढ़ा है? नहीं, मतलब वो अभी 185 तो और बढ़े है। हाँ, अभी 90-95 हो गया होगा। हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? हाँ, नहीं। आपने पढ़ाई किया है? हाँ, 8th तक। 8th तक पढ़ाई की है। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमें कि इस घर में 185 लोगों का जो खाना बनता है, हाँ, एक समय में कितना आटा लगता है? मतलब हमारे दोनों टाइम का 20 किलो आटा और 15 किलो सब्जी हो जाती है एक टाइम में। कितना लोग मिलकर इसे बनाते हैं? मतलब ये 13 चूल्हे, मतलब ये 11-12 चूल्हे है, ये जलते हैं सारे। 12 चूल्हे पे बनता है। हाँ, 2 टाइम खाना बनता है। हाँ। तो आप लोग घर से कितने बजे चले जाते हैं काम के लिए? हम 8 बजे चले जाते हैं। 8 बजे चले जाती है? हाँ। फिर शाम को कितने बजे आते हैं? 5 बजे। 5 बजे। एक चीज़ और चीज़ बताइए कि यहाँ पे सब्जी उब्जी होता है, वो सब्जी कहाँ से आता है? सब्जी हमारे खेत से भी आता है, बाजार से भी लाते हैं। बाजार से भी? ज़्यादा लोग हैं, बर्थडे कितने दिन पर पड़ता है? बर्थडे हो जाता है 4-5 दिन में, कभी 10 दिन में। 4-5-10 दिन पर बर्थडे हमेशा मनते रहता है। हाँ। शादी तो हर 6 महीने में होती है। हर 6 महीने में शादी? हाँ। होता है। तो आसपास के जो लोग होगा आप लोगों से डरता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मतलब हम क्यों डराएंगे लोगों को? नहीं, संख्या ज्यादा है तो उनको ये भी लगता होगा कि बोलेंगे तो 185 लोग हम पे हावी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है? डरने वाले डरते भी होंगे पर हम किसी को डराते नहीं है। आप लोग जिसे चाहेंगे उसे मुखिया बना देंगे, प्रधान बना देंगे? वो तो लोग हमारे पास चल के आएंगे तो फिर बना देंगे। तो आप लोग क्यों नहीं बनते हैं? हमारे बने हुए हैं ना। कौन सा? क्या? पहले हमारे सरपंच थे हमारे घर में। आपके घर में सरपंच थे? हाँ। अच्छा, बाहर कितने लोग हैं, जो नौकरी उकरी में कितने लोग रहे? नौकरी में है ना, कंप्यूटर भी है और ये टीचर भी है हमारे घर में। अच्छा, जितना महिला बाहर काम करती है उसमें सब पढ़े लिखे हैं कि बस? सब पढ़े लिखे हुए। कहाँ तक पढ़ाई की है? मतलब कोई ने फाइनल भी की है, कोई ने MA भी की है, कोई ने 12वीं तक की है, कोई ने 10वीं, कोई ने 8th। सब शाम को आएगा? शाम को आएंगे तो बस अपने बच्चों को संभालो, बस खाना हमारी मम्मी जी बना देते हैं। खाना कितने दिन से ये खाना बना रही है? कितने दिन से ये खाना बना रही है? ये शुरू से यही बनाते हैं। तो आप क्या नहीं बनाती है? हमारा नंबर ही नहीं आता, यही बनाते हैं। तो आपको शौक होता है कि हम भी अपने सास को बनाकर खिलाएं और हमारे सास कहे वाह क्या बहू खाना बनाई है? ये बनाने नहीं देते हमें, बनाने नहीं देते।
ये बनाने नहीं देते। हाँ जब ये बाहर जाते हैं ना कहीं अपने मायके कहीं तब बनाते हैं हम। अच्छा गैस पे खाना नहीं बनता है? नहीं गैस पे नहीं बनता। क्यों? चूल्हे पे खाते हैं हम लोग। हाँ देख रहे हैं कि मैंने क्यों गैस पे नहीं बनता है। गैस की रोटी कोई नहीं खाता, हमारे सब चूल्हे की रोटी खाते, शुरू से हम चूल्हे पे बनाते हैं। चावल आप लोग नहीं खाते हैं? नहीं चावल नहीं खाते। नहीं शौक से कभी बना लेते हैं, वरना हम हर रोज नहीं खाते, हम सिर्फ ये रोटी खाते हैं। अच्छा जो सामने जो दिख रहा है वो क्या चीज है जिसमें रोटी बन रहा है? हम तो इसे खेलड़ी बोलते हैं। खेलड़ी है? हाँ खेलड़ी है। हाँ जिसे सामने ये रखा हुआ यही चीज। हाँ मटके की है, मटके बोलते हैं। हाँ अच्छी क्या बन रहा है अभी? रोटी। रोटी क्या चीज का रोटी है ये? मक्की की। मक्की का? हाँ। और उसमें बनता है कितने आदमी का खाना बनता है अभी? अभी आदमी का तो सब लोग अपना बयान पतियानी पोवाड़ा। पतियानी पोवाड़ा? चलो इसका भाषा हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे है जो पढ़े लिखी है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आरती। आरती पढ़ती हो? हाँ। किस स्कूल में पढ़ती हो? ऋषभ में। कितने क्लास में? नाइन्थ में। नाइन्थ